मैंने 2000 में क्रिकेट खेलना शुरू की थी और 2001 में मैं पाकिस्तान अंडर-17 पहली दफा खेला था। और जिंदगी में बहुत से ख्वाब देखे कि पाकिस्तान खेलने, और अल्लाह ने 2008 में मुझे पाकिस्तान का डेब्यू करवाया। 2000 से ये सफर चलता रहा 2020 तक, 21 तक। बड़ी कामयाबियां भी मिली, कुछ जगहों पे फेलियर भी आया, लेकिन एक टाइम आता है, एक वक्त आता है जिधर आपको खैरबाद कहना पड़ता है। मैं अभी भी चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान के लिए खेलूँ, लेकिन रियलिस्टिकली बात यह है कि अब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है मेरे लिए, बल्कि नामुमकिन है। तो मैंने पहले भी कुछ अपने इंटरव्यूज में कहा था कि मैं 2023 के वर्ल्ड कप को टारगेट कर रहा हूँ, और 2023 मेरे लिए आखिरी मेरा वर्ल्ड कप होगा और उसके बाद मैं रिटायरमेंट ले लूँगा। इस चीज़ की खुशी है कि इस वक्त पाकिस्तान के पास बड़ी अच्छी बॉलिंग लाइनअप है, और आई नो कि मेरी उधर जगह नहीं बनती। तो जो ये मेरा कैरियर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जितना भी मुझे खिलाया, जितनी भी इज्जत दी मुझे इस फील्ड से मिली, और अल्लाह ताला का बहुत शुक्र गुजार हूँ, अपनी फैमिली का शुक्र गुजार हूँ, अपने वालिद साहब का बहुत शुक्र गुजार हूँ। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे, और मेरी माँ बहने और मेरी बीवी, मेरे दोस्त जो हर कदम पे मेरे साथ रहे, मेरे मेंटोर्स, मेरे कोचेस, पीसीबी ऑफिशियल्स, जिस जिसने मेरे लिए जिंदगी में मुझे कुछ सिखाया और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं पाकिस्तान का नाम रोशन कर सका, मैं उन सबका बहुत शुक्र गुजार हूँ। और इट्स टाइम के इंटरनेशनल क्रिकेट को खुदाफिज कहना पड़ रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ की खुशी है, और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैंने जब भी पाकिस्तान के लिए ग्राउंड में उतरा हूँ, जो एक बॉल भी किया मैंने पाकिस्तान के लिए, उसमें मैंने अपनी पूरी 100% दी है, और हर दफ़ा कोशिश किया कि पाकिस्तान को मैच जितवाऊँ और अच्छे से अच्छा परफॉर्म करूँ। लेकिन आज टाइम आ गया कि जिधर आई हैव टू से के थैंक यू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, थैंक यू टू माय ऑल फैंस, मेरे भाई, मेरे दोस्त, फैमिली, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया उनकी दुआओं का। तो आज मैं इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहा हूँ, बट उसका मतलब ये नहीं है कि क्रिकेट छोड़ रहा हूँ। अब मेरा फोकस है कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड जितनी भी इंटरनेशनल लीग्स हैं उनमें पार्टिसिपेट करूँ। स्पेशल थैंक्स टू मोहम्मद अकरम, वकार यूनस, आकिब जावेद, जिन्होंने सारी जिंदगी मुझे मेरे साथ काम किया। आकिब भाई के साथ जिंदगी के पहले 4-5 साल, उसके बाद वकार यूनस के साथ विकी भाई ने बहुत मेहनत की, बहुत एतबार किया, और मोहम्मद अकरम आई विल से के लाइफ चेंजिंग शख्स है मेरी जिंदगी में, जिन्होंने मुझे 2013 से मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया, और आज दिन तक पेशावर जलमी से के लिए मैं उनके साथ खेल रहा हूँ, एंड ही हैज़ बिन वेरी सपोर्टिव टू मी, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो बेहतरी आती रही उसमें इन तीन कोचेस का बहुत हाथ था।